Namaskara position. This is called Namaskarasana. Now this one is Hast Uttanasana. हाथ को ऊपर उठा के पीछे बैकवर्ड बेंड करना है. अब ये जा रहे हैं हस्त पादानासन, हाथ और पैर का संगम, फॉरवर्ड बेंड. ये पोजीशन है अश्व संचलासन, जैसे कि हम अश्व घोड़े की जो पोजीशन होती है संचालन की, ये पोजीशन है पर्वतासन. जिसमें आपको पीछे के पैर को फिट रखना है, ये पोजीशन है. ये आसन अष्टांगासन के नाम से जाना जाता है. आठ अंग जो कि जमीन को टच करेंगे. अब आप आए हैं भुजंगासन की पोजीशन में. फिर से आप जाएंगे पर्वतासन में. फिर आपने अपना लेफ्ट लेग को आगे लेके अश्व संचालन की मुद्रा में आप पीछे वाला पैर आगे लाकर हस्तपादनासन की पोजीशन में आएंगे. अब आप जाएंगे हस्तपादाना उत्थासन, जो कि एक बैकवर्ड बैंड करेंगे और नमस्कार की मुद्रा में आके एक हाफ आधा सूर्य नमस्कार, इसे आप कह सकते हैं. यही रिपीट आपको अपने दूसरे लेग से करना है. नमस्कार की मुद्रा से आप हस्त पादा उत्थानासन की मुद्रा में गए. अब आप हस्त पादासन की मुद्रा में गए, हस्त उत्थानासन से हस्त पादासन की मुद्रा में. अब आप अपना राइट लेग पीछे लेंगे. पहले हमने लेफ्ट लेग को पीछे लिया था और अश्व संचालन की मुद्रा में आए. अश्व संचालासन कहते हैं इस आसन को. अब आप पर्वतासन की मुद्रा में आ चुके हैं, इसे पर्वतासन कहेंगे. इसके बाद जैसा कि पहले सूर्य नमस्कार ने किया, अष्टांगासन जिसमें आठ अंग आपके जमीन से जुड़े होते हैं. अब आप भुजंगासन की मुद्रा में आए हैं और उसके बाद फिर से पर्वतासन. वही लेग को आप आगे लाकर अश्व संचालन की मुद्रा में फिर से आएंगे. और आप हस्त पादासन के आसन में आने के बाद आप जाएंगे हस्त उत्तानासन और उसके बाद आप नमस्कार आसन के आसन में आके सूर्य नमस्कार कंप्लीट करेंगे. सो ये है पूरा एक सूर्य नमस्कार, जिसको 4 से 5 मिनट में किया जाता है. धन्यवाद.